बुआ मायावती के लिए भतीजे अखिलेश यादव का प्यार इन दिनों काफी उमड़ रहा है। भतीजे के इस प्यार से बुआ मायावती डरी हुई है। डर हो भी क्यों ना, क्योंकि राजनीति में कुछ मायने रखता है, क्योंकि राजनीति में सब बात के अपने मायने होते हैं, तो वो है वोट, या यूं कहें कि वोट बैंक। जो भी नेता सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वोट बैंक। अखिलेश यादव अपनी राजनीति से मायावती के इसी वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। दरअसल मायावती के लिए बीजेपी को निशाने पर लेकर अखिलेश दलित वोटरों के बीच चर्चा में आना चाहते हैं। बीजेपी विधायक ने मायावती को यूपी का सबसे भ्रष्ट सीएम बता दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जता दी। भतीजे के इस प्यार पर बुआ का दिल भी बाग बाग हो उठा। बुआ मायावती ने इसके लिए अखिलेश का आभार जता दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि दोनों के बीच आने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। कुछ दिन पहले ही आरक्षण की क्रीमी लेयर जारी करने के विरोध में भारत बंद का आंदोलन हुआ। मायावती की पार्टी सड़कों पर उतरी। अखिलेश ने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। मायावती प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। अखिलेश यादव अपने बयानों से भले ही दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हों, अपनी पीडीए वाली वोट बैंक को मजबूत करना चाह रहे हों, अखिलेश की ये चाह पर मायावती पानी फेरने को तैयार रहती हैं। बस उन्हें मौके की तलाश रहती है। अखिलेश के आभार जताने की कुछ देर पहले ही मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक पोस्ट लिखा कि सपा व कांग्रेस SC ST आरक्षण के समर्थन में तो वो अपना स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं, किंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय में SC ST आरक्षण में वर्गीयकरण व क्रीमी लेयर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हैं। जो इनकी ये आरक्षण विरोधी सोच है, इसमें सजग रहना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।